नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम व्रत के लिए एक नमकीन की रेसिपी बनाएंगे। आलू से बनाएंगे इसे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, तो ये खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी तो होगी ड्राई फ्रूट्स के साथ। और इसे आप पूरे सप्ताह या 9-10 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बनाते हैं इसे। तो देखिए, आप इस तरह से दो थोड़े बड़े साइज़ के आलू ले लीजिए या जितने आपको नमकीन बनानी है ज़्यादा ले लीजिए। उनको अच्छे से छील लीजिए, धो लीजिए। और देखिए, इस तरह से जो कद्दूकस का जो बड़ा वाला होता है जिसमें से बड़े लच्छे निकलेंगे, हम उसमें से इसे कद्दूकस करेंगे। तो आप बारीक वाले में ना करें। और इस तरह से देखिए, हम इसके लच्छे निकाल लेंगे और इन्हें हमें 2-3 बार कम से कम पानी से धोना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो आप इस तरह से 2-3 बार इसे पानी में धो लें और उसके बाद एक चलनी में डाल के इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। तो देखिए, मैंने चलनी में डाल के इसका पानी निकाल लिया है और इसे अब हम एक कपड़े पर आधा घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है। इस तरह से कपड़े से भी आप इसका थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल सकते हैं, कॉटन के कपड़े से। तो देखिए, आधा घंटा हो गया पंखे के नीचे इसे मैंने रखा था और इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और ये थोड़ी सी ड्राई हो गई है। तो एक कढ़ाई में देखिए, मैंने तेल गरम किया है, तो तेल को आप अच्छे से गरम कर लें और उसमें थोड़ी सी हमें डालनी है, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी नहीं डालनी है आलू की। और आप देखेंगे सिर्फ 4-5 मिनट में ही ये थोड़ा सा ऊपर आने लग जाएंगे, इसका मतलब ये कुक हो जाएंगे। तो आप इन्हें फटाफट निकाल लें, बहुत ज़्यादा देर तक कुक ना करें। ये बहुत जल्दी कलर बदलते हैं, लास्ट में बहुत जल्दी कुक होने लगते हैं। तो आप इन्हें थोड़ा ऊपर आने के बाद हल्का सा इनका रंग बदलेगा, आप तभी निकाल लें। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े लच्छे डालकर सारी नमकीन को फ्राई कर लिए। देखिए, मैंने फिर से थोड़े से लच्छे डाले हैं और फटाफट निकाल लें तो अब इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, मैंने थोड़ी सी बादाम ली है और मूंगफली ली है, इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप बादाम मूंगफली थोड़ा पहले डालें क्योंकि इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा कुक होने में। उसके थोड़ी देर बाद आप इसमें थोड़े से काजू डाल दीजिए और सिर्फ 3-4 मिनट या 2-3 मिनट बस आप इन्हें निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा कुक नहीं करना है इन्हें। इसके बाद देखिए, मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं, अगर आपको डालना है तो इसे आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे नमकीन में। और इसे इस तरह से बहुत हल्का सा फ्राई कर लें, तुरंत ही क्रिस्पी हो जाएंगे ये। और इस तरह से इसका तेल निकाल करके आप इन्हें भी निकाल लें। तो देखिए, सारी नमकीन रेडी है, इसे हम एक बाउल में डालेंगे। बहुत ही क्रिस्प बनी है, बहुत अच्छी बनी है ये और फटाफट बन गई है। देखिए, अब देखिए इसमें मूंगफली, बादाम और काजू सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम और इस तरह से हम क्रश करके कड़ी पत्ता डाल देंगे। मसालों में देखिए, यहाँ मैंने काली मिर्च ली है और जीरा पाउडर लिया है, सेंधा नमक लिया है और ये थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर लिया है। अगर आप व्रत में एक सब मसाले खाते हैं तो आप इजीली इन्हें डाल लें, नहीं अपने टेस्ट से कोई और मसाले डाल लें। इन्हें हम अच्छे से मिलाएंगे और सभी पर अच्छे से मसाले लग जाएंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी नमकीन घर में तैयार हो गई है व्रत में। आप इसे एक एयर टाइट डब्बे में रखिए और पूरे सप्ताह 9-10 दिन आराम से खा सकते हैं। तो आप इस तरह से नमकीन बनाइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।